आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए बिहार की शिवाला जेल से ट्रांसफर करते हुए दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए राजद के पूर्व सांसद और सीवान के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज बिहार के सीवान जिले से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनकर पत्रकार राजीव रंजन की पत्नी और तेजाब कांड में अपने तीन बेटों को खो चुके चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। चंदा बाबू ने कहा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दो याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। पहली याचिका पत्रकार राजदेव की पत्नी की है और दूसरी याचिका अपने तीन बेटों को गवा चुके चंद्र बाबू की है। उन्होंने अपने खो चुके बेटों का दर्द बयां करते हुए कहा कि शहाबुद्दीन जैसे अपराधी के लिए आजीवन कारावास की सजा कम है, उसे तो भी चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। चंदा बाबू ने कहा कि तिहाड़ जेल भेजे जाने से इनको खुशी हुई है, अब यही ख्वाहिश है कि उसे फांसी की सजा ना हो तो शहाबुद्दीन को ताउम्र जेल में ही बंद रखें। गौरतलब है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ इस वक्त कोर्ट में 45 मामले लंबित हैं, जिसमें से कई मामले हत्या के हैं, कई किडनैपिंग के, लेकिन उनमें से 10 मामलों पर उनको सजा सुनाई जा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK247 न्यूज़, दिल्ली।